अच्छा जी, मार्केट के अंदर LG V60 के दो वर्जन चल रहे हैं, एक डोकोमो जो ब्लैक कलर में आता है और एक LG V60 जिस पे डायरेक्ट लिखा हुआ है वो ब्लू कलर में आता है। अब ख़रीदार जो है इसलिए परेशान होता है कि यार डोकोमो वाला ख़रीदा जाए या जो ब्लू कलर का LG V60 लिखा हुआ है वो ख़रीदा जाए। अब दोनों मोबाइल सेम हैं, स्पेसिफिकेशन सेम है, हर चीज़ सेम है, लेकिन उसके अंदर छोटी छोटी डिफरेंसेस हैं कुछ चीज़ों की, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो डोकोमो वाला वर्जन है वो डोकोमो जापान की कंपनी है और उसने LG के साथ पार्टनरशिप करके अपने लिए मखसूस यानी सेल फोन बनवाया है, जिसके अंदर उसके अपने कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। और जो ब्लू वाला वर्जन है वो LG का अपना जो है ग्लोबल वर्जन है, उसके अंदर जो है एक तो आपकी जो है LG का अपना सॉफ्टवेयर होता है और वो उसके अंदर सारी सिमें वर्क करती हैं। अच्छा जी, LG का जो डोकोमो वाला वर्जन है ब्लैक वाला LG V60 का, उसके अंदर सिर्फ ये डिफरेंस है कि उसके अंदर उन्होंने अपना कस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो अब इंस्टॉल किया हुआ होता है थ्रू LG के थ्रू। उन्होंने LG को मतलब कहा होता है LG कंपनी को कि जब आप अपना ये मोबाइल लॉन्च कर रहे हो तो उसके अंदर हमारा सॉफ्टवेयर अलग से, आपने ये कुछ एप्लीकेशंस उन्होंने एक्स्ट्रा डाली होती हैं और ताकि उनके पास अपडेट्स वगैरह डोकोमो कंपनी की आती रहें अपने यूज़र के पास। और बाकी सारी चीज़ें सेम है, कैमरा सेम है, रिज़ल्ट सेम है, हर चीज़ सेम है, सिर्फ ब्रांडिंग चेंज है, सॉफ्टवेयर थोड़ा सा चेंज है। और जो ब्लू वाला है LG का वो ग्लोबल वर्जन है, वो सारे जो है उसके अंदर LG का अपना सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर एप्लीकेशन जो है उसकी LG की अपनी लिमिटेड होती हैं और वो सारे जो है वर्ल्ड के लिए ग्लोबली जो है वो लॉन्च करते हैं। बस ये तो डिफरेंट हैं, कलर में डिफरेंस है, पीछे ब्रांडिंग में डिफरेंस है, उसके अलावा सारी चीज़ें चेंज हैं, सॉफ्टवेयर में भी डिफरेंस है। अच्छा जी, दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है, अब आप जो चाहें वो ले सकते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सॉफ्टवेयर का और ब्रांडिंग का डिफरेंस है। इसके अलावा हमने जो है ग्लोबल वर्जन परचेज़ किया है ब्लू वाला LG V60 का, जो आपको हमने पिछली वीडियो में दिखाया है पबजी टेस्ट करके, ग्राफिक्स की टेस्ट करके और उसका ओवरव्यू थोड़ा सा दिया था। उसको उसका अब कैमरा और क्योंकि वो 8K रिकॉर्डिंग करता है, वीडियो रिकॉर्डिंग करता है 8K, तो वो मैं आपको जो है उसका रिज़ल्ट कुछ दिनों के अंदर जो है कैमरे का दिखाऊंगा, कुछ सिनेमैटिक्स व्यूज़।